नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। गोवर्धन के बस स्टैंड में जमीन पर बैठने को मजबूर यात्री। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 342 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड की इमारत का निर्माण कराया गया है, लेकिन करोड़ों की लागत लगने के बावजूद भी आज भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु बैठने के लिए आशियाना खोजते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बस स्टैंड परिसर के अंदर बनी दुकानों के दुकानदार परिसर के बरामदे में कुर्सियां लगाकर पूरे बरामदे में अतिक्रमण कर लेते हैं। जब कोई बुजुर्ग यात्री इनकी कुर्सी पर बैठता है तो यह है उसे वहां से भगा देते हैं। बस स्टैंड में यात्री विश्राम गृह तो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई साइन बोर्ड लगा है और ना ही वह खुला रहता है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी जिम्मेदारियों से आंख चुरा रहा है। तभी तो बेचारे यात्री गर्मी की धूप में और सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर बैठने को मजबूर है। कई बार यात्रियों ने इसकी शिकायतें भी की हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है। देखना होगा कि कब कुंभकर्ण की नींद से जागकर संबंधित विभाग के अधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम गृह के दरवाजों को खोलते हैं और अपनी साख को शर्मिंदा होने से बचाते हैं, अथवा बाहर से आने वाले श्रद्धालु और यात्रीगण ऐसे ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को कोसते रहेंगे। आइए जानते हैं श्रद्धालु ने क्या कहा। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के आए? जैसा कि आप देखने को मिल रहा है कि करोड़ों की लागत के बाद ये बस स्टैंड तैयार हुआ है, मगर यहाँ यात्रियों की बैठने की सुविधा नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बैठने के लिए नहीं देते? नहीं, बैठने के लिए। परदेशी भी हैं, लोकल भी हैं।